न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं जफर अशफी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां प्रदेश के तापमान में कमी जरूर आई है लेकिन सियासी पारा अब तेज हो गया है। अपने बयानों से भाजपा के निशाने पर रहने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ इस बार अपनी ही पार्टी के नेताओं के घेरे में आ गए हैं। जी हां, कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल ने मोर्चा खोल दिया है और अब कमलनाथ अपनी ही पार्टी के नेताओं के टारगेट पर होने लगे हैं। मामला विंध्य क्षेत्र को लेकर कमलनाथ के बयान को लेकर है। क्या कह रहे हैं पूर्व प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह राहुल कमलनाथ को लेकर, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें विंध्य क्षेत्र का अपमान है। 2013 में सब अंचलों से ज्यादा कांग्रेस के विधायक विंध्य से आए थे। किसी भी संभाग में 12 विधायक कांग्रेस की झोली में नहीं आए जो 13 वाले चुनाव में आए थे। 18 को जो चुनाव हुआ उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि गिनती के किस दिन कितने दिन पहले कौन बांधवगढ़ में डेरा डाले हुए था और क्या क्या हुआ। विंध्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब चल न पाई, इसके लिए विंध्य क्षेत्र की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए ये कतई उचित नहीं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का मनोबल ऐसी बातों से गिरता है।